ni sekat tu, ini ini syarat mata EDM kita, orang sekitar voting kita. Abu, mereka wife ki hospitalisation hoga, jadah takdir, jadah pelik, saya tu main tahu, sekitar tu, tapi saya tu hari pangga, tu kena kerja. Tapi orang orang ni apa hana, tu orang orang bertubi kerja. Sekat ni kaya, bertubi kerja. Bu letter ni apa lirik awak tu? Bu handwriting ni apa gitu? जो ड्राफ्टिंग आप ही करते हैं समझी सुन के बोल रहे हैं कभी कभी क्या किसी और बंदे से लगवा लिया होगा ठीक है साइन तो है कोई दिक्कत नहीं मेरे तस्वीर कभी इधर ऐसी होती है और कभी सुन तो उसपे हो गया तो अगर जब बॉस कौन का देते हैं रानी अपनी डेट दूर करती है तो ये सारा कुछ देखा है अध्यक्ष कमेटी का भी जो निर्णय हो चुका था उसका सर्कुलर इश्यू हो गया था और ये भी बता दिया कि अभी डेट दूर कर दी जाएगी अब उसके बाद 17 को हुआ था 16 की बात थी 17 में इशू कर दिया से भी अभी डेट कर दिया अब उसके बाद जो है अब नई डेट का है फैसला हुआ कि उसका इमीडिएटली 26 पड़ती है 26 में जो रक्षाबंधन है उसको छोड़ दिया जाए उसका बाद फिर दो पड़ता है उसमें तीन का जन्माष्टमी है तीन डेटों को छोड़कर 15 दिन का नोटिस करके 16 सितंबर की डेट निर्धारित की 16 सितंबर की तो उसमें उसने क्या दिया 16 सितंबर को 10 से 1 यहाँ सीधा वोटिंग होगी 10 बजे से 1 बजे उसी जो लिस्ट बनी है उसी के हिसाब से 10 से 1 वोटिंग होगी और एक आधा घंटा का लंच वंच ब्रेक करके 1 बजे उसकी काउंटिंग और उसी प्रस्ताव तो संशोधन ये प्रस्ताव जो है ये इसमें संशोधन है नियमावली में तो ये वोटिंग राइट जो ला के लिखी है उसको वोटिंग राइट तो रहे या हटाए गए तो वो दो क्लासेस का हटके खाली अमेंडमेंट है भाई आप और उसके बाद जो है ये डिमांड आई से हिसाब से पास के भाई अकेला दुकला ना करे पांच आदमी को मैं भी पांच बना दिए तो उसके हिसाब से प्रयास किया गया कि पांच आदमी मुझे जो मारे दी है कि ये चार आदमी जो बताएं उनके कमेटी का गठन कर दिया गया जिसमें जैसे जैन साहब हैं विजय भाटी जी हैं एस पी चौहान साहब हैं और आपके तरफ से ताकि उपल का हो या बिंदु शर्मा को ये निर्णय आया कि बिंदु शर्मा उसके बाद जो है ये भी पहले भी हमने कई सर्कुलर में कह दिया कि इसका निर्णय जो कि हमारी क्लास 26 में लिखा हुआ है कि किस आधार पे होगा उसमें है कि एज प्रोवाइडेड इन द बाइलॉ सोसाइटी एक्ट में जितना है उसके हिसाब से होगा और सोसाइटी एक्ट में 3/5 से पारित होना है वही प्रस्ताव संशोधन का 3/5 के बिना पारित नहीं हो सकता वो बिमल जी भी जानते थे 3/5 में 60% अगर 59% दिया तो वो अमेंडमेंट नहीं होती वो उसके बाद जो हमने पहले भी बता दिया कि 31 जुलाई हमने फिर करी थी पैसा देने की और कदम पे 60% जो आपने बताया 3/5 का इसमें आप ये और क्लियर कर दें वो सभी पैसे को कि प्रेजेंस ऑफ द मेंबर ताकि जो लिस्ट ऑफ द मेंबर 3/5 उपस्थित उपस्थित जितने मेंबर रहेंगे अगर 175 रहेंगे तो उसका रहेगा 100 होंगे तो उसका 123 उपस्थित उपस्थित का 3/5 प्रावधान है सेक्रेटरी इलेक्ट में उसके साथ से होगा और फिर हमने 31 जुलाई कट ऑफ डेट रखी थी इसके पैसे जमा करने जो डिफॉल्टर का और इसलिए वो लिस्ट बनाई गई थी 1 अगस्त की ही जो लिस्ट है 76 वाली वो सारे एलिजिबल रहेंगे उसमें बहुत या तो आप बायलॉज को पढ़ें इस बात के लिए कि भी हमारा एनुअल ये इलेक्शन हो रहा है तो उसमें ये सारी प्रक्रिया उसी तरीके से निपटाई जाएंगी या फिर आप देखें कि एजीएम का जो एजेंडा हमारा रुका हुआ था बैलेंस जो हमारा एजेंडा रह गया था वो रुका हुआ है तो उसको हम क्लियर करेंगे तो फिर इस बायलॉज की कॉपी को आप भी पकड़ेंगे देखिए एक बात है बाहर कहाँ चले जाएंगे इससे बाहर नहीं जा रहे ना ये तो बाहर तो जाएगी नाम मैं आपको लिखा है बेमाली सुनो बेमाली आपका प्रपोजल क्या आप ये बताओ मेरा प्रपोजल ये है सर इस एजेंडा को इस बायलॉज को अमेंडमेंट के लिए यूज किया जा रहा है ठीक है ना आज इसको इलेक्शन प्रोसेस नहीं है ये
फाइनल इलेक्शन नहीं है ये। नहीं तो क्या प्रोसेस होना चाहिए? प्रोसेस ये होना चाहिए सर कि जो आपका एलिजिबल मेंबर है, जिसकी पेमेंट आपके पास आ चुकी है 206 मेंबरों के अंदर अंदर से ही, और उस क्षेत्र में उस सेक्टर के अंदर कहीं चुनाव हुआ है, तो वो अपना नाम बदल के आप तक पहुँचा दे, लेकिन रहेगा सेक्टर वो 50 में। अगर मैं नहीं हूँ, मैं हार गया हूँ, तो मेरी जगह ये भाई साहब हमारे आप चुनाव करा रहे हैं 1 तारीख से पहले पहले, जिन सेक्टरों में चुनाव हो रहे हैं वो अगर सेक्टर एलिजिबल मेंबर्स है तो अपने नाम उसी से करवा दो, ये सबके लिए बराबर है। बिल्कुल सर, आप पढ़ लो, इसलिए आपने तो बायलॉज को, ये तो आपका इलेक्शन है। बीमा जी, बीमा जी, विमल जी, आज FONRWA में एक मीटिंग हुई है जिसमें 16 तारीख को वोटिंग होने जा रही है, क्या क्या किस विषय वोटिंग होने जा रही है और क्या उसमें उद्देश्य है? सर, मैं विमल शर्मा, अध्यक्ष सेक्टर 50 से, आज मुझे इस FONRWA की मीटिंग में बुलाया गया था। ये मीटिंग जो है AGM के अंदर पेंडिंग एक इशू था, लाइफ मेंबर्स और फाउंडर्स मेंबर्स को वोट कास्ट ना करने का और कंटेस्ट करने के राइट्स के, उसके लिए आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीटिंग बुलाई गई थी, जिसके अंदर मुझे इन्होंने इनवाइट किया। उस मीटिंग के अंदर ये एक कमेटी इन्होंने बनाई है, जिसके अंदर 5 आदमी रखे गए हैं, मिस्टर एन धवन, के जैन साहब और विजय भाटी, SP चौहान और मेरा नाम विमल शर्मा। मेरा ये विरोध था उनसे कि ये कोई न्याय संगत नहीं है, जिन लोगों के खिलाफ ये प्रस्ताव लाया जा रहा है वो सारे के सारे मेंबर हैं और वही इलेक्शन प्रोसेस की कमेटी के मेंबर बन जा रहे हैं, तो इससे इलेक्शन क्लियर नहीं होगा, इसमें इलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी, तो उनमें बाहर के लोगों को बताना चाहिए, उनके नामों की जगह 206 मेंबरों के इलेक्शन में किसी भी 5 आदमी के नामों को आप रखकर इलेक्शन को बिल्कुल डिस्प्ले हो जाए। आपने एक आपने बात रखी है FONRWA अध्यक्ष के सामने, तो क्या आश्वासन मिला कि आपकी बात पे वो राजी हैं? मुझे नहीं लगता, ये प्री प्लान है सारा का सारा, वो लोग नहीं चाहते कि भाई इलेक्शन जो है ट्रांसपेरेंसी हो, उसके अंदर किसी किस्म की भी धांधलेबाजी हो रहे, ऐसा वो चाहते हैं। उन्होंने कोई लाइफ मेंबर्स को बना दिया जिनके खिलाफ हमने प्रस्ताव लिखा। आपने भी कोई ऐसा कोई विचार रखा है कि भाई जो वोटिंग होने जा रही है वो इस तरह नहीं, ऐसे काम होना चाहिए जो पारदर्शी हो और सबको पता लगे? मैंने अध्यक्ष महोदय और महासचिव से ये निवेदन किया है कि आप इस इलेक्शन के ये जो एजेंडा पेंडिंग बना हुआ है, इसको प्रोसेस को कराने के लिए बिल्कुल साफ सुथरी पारदर्शिता को देखते हुए 5 ऐसे मेंबरों का गठन करें जो ना आपके लाइफ मेंबर हो ना ही आपके फाउंडर्स हों, उनके द्वारा एक कमेटी बनाई जाए और वो इलेक्शन कराए। बात की जाए अगर एक बात और सामने आ रही है कि जिस तरह ये 5 मेंबर इसमें गठित किए गए हैं, उसमें ये बात सामने आ रही है कि ये जो 4 मेंबर हैं वो सिर्फ एक तरफा ही हैं और एक मेंबर दूसरी तरफ से है, इसमें भी एक विरोध प्रदर्शन। चारों मेंबर ही जो है लाइव मेंबर हैं, इनके खिलाफ ये इंटरेस्टेड पार्टियाँ हैं और ये लोगों को इलेक्शन के अंदर प्रभावित करेंगे, तो ये इलेक्शन पारदर्शिता नहीं रखेंगे। तो क्या आप आने वाले टाइम में जो वोटिंग होने जा रही है क्या आप इसका विरोध करेंगे? मुझे इसमें कमेटी के अंदर मेंबर बनाया गया है, तो मेरा ये विरोध रहेगा कि इसके अंदर और भी 2 आदमी रखे जाएं जो कि आप ना लाइफ मेंबर हो ना फाउंडर मेंबर हो, तभी ये इलेक्शन जो है वह पूरी तरीके से पारदर्शिता से हो। तो किसी 2 मेंबर का आपने कोई नाम दिया है? आदमियों का नाम बताया है, मिस्टर उपल का नाम दिया है, AP उपल जो 36 के अध्यक्ष है, और मिस्टर योगेश का नाम दिया है, आप ये देखो इनके ऊपर निर्णय करना इनका।